अगर शशि थरूर का मतलब कांग्रेस होता तो कांग्रेस बचाव में खड़ी होती एक बात तो उससे तो छोड़ दीजिए कि उनका अपना निजी बयान है क्या शशि थरूर का निजी बयान है सुन तो लीजिए तो सर गुलाम नबी आजाद दोनों निजी तरफ से ऐसा होता है दोनों तरफ, तरफ से क्या होता है अभी नहीं राहुल गांधी चुप रहते है शशि थरूर पे चुप है हर विषय में चुप है आप कह रहे बोलने तो दीजिए आपको देखिए लेकिन सर हद होती है पूरे दिन कांग्रेस यही बोलती है कि इस देश में डिबेट सिर्फ हिंदू मुसलमान पर होती है और कांग्रेस टोपी पहन लेने से ना तो, अच्छा, तो गाय के नाम पर मुसलमानों का बंद होगा और अगर वो इनकार करते हैं तो ना रात में जो गाय के नाम पर गुंड लोग करते हैं ना वो गाय पर डिबेट आई मैंने सुन लीजिए मैं तो प्राइम मिनिस्टर के लफ्ज है मैं अपने नहीं। तो प्राइम मिनिस्टर है महात्मा गांधी ने टोपी डाली थी, डोपी थी? क्या पंडित नेहरू ने टोपी डाली टोपी डाली थी साल में 15 लाख रुपए नौकरी में जाएगा ऐसे ही नौकरी आ जाएगा ऐसे ही आ जाएगा 15 लाख ऐसे ही जाएगा 15 लाख ऐसे ही आ जाएगा 15 लाख नौकरी में डिबेट ने कहा था नौकरी डिबेट है नौकरी पर डिबेट नहीं है जो देखिए जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी अभी, अभी भाई तो बात निकली नहीं है सानवाद भाई ने बहुत अच्छी बात कह दी मुझे लग रहा है कि टोपी ये गड़ा हुआ मुर्दा है जो बाकायदा तौर पर प्लानिंग के तहत ये उखाड़ा गया है बीजेपी समझे शशि थरूर शशि थरूर, थरूर है। ने उड़ा मेरे लफ्जी नहीं समझ रहे ये तो या तो बीजेपी समझे शशि थरूर समझे क्योंकि अब तक जितने जुमले थरूर ने इधर बोले हैं उन सब में बेनिफिट बीजेपी का हो रहा है आपको समझना पड़ेगा की आखिर तीर कहा से निकल रहा है और कहा जा रहा है आप आ जाइए हिंदू मुसलमानों पर मुझे लग रहा है जब तक चुनाव नहीं हो जाते दो हजार उन्नीस के हिंदू मुसलमानों पर डिबेट नहीं होनी चाहिए

जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो आपके खाते में पंद्रह लाख रुपए इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप चैनल पे बैठ करके इतना बड़ा झूठ बोल रहे ऐसे ही आ जाएंगे पंद्रह लाख ये प्राइम मिनिस्टर के जुमले हैं और मैं चैनल वाले से कहूंगा कि वो दिखा दे ऐसे ही आ जाए ऐसे ही ऐसे ही आ सेकंड बोल जहाँ काला धन आ जाएंगे ना तो काले धन का पता है ना लाख का पता है इस पर तो डिबेट नहीं हो रही है डिबेट हो रही शशि लेकि थरूर ने कह दिया क्यों नहीं पहनते टोपी नहीं पहनते अरे ये मुल्क इससे चलेगा का एक बवंडर बना इससे चलेगा मुल्क पंडित दीनदयाल का नाम अगर रख दोगे तो क्या तब्दील हिंदुस्तान तरक्की कर जाएगा हम तो करें दिल्ली का नाम मोदी नगर कर दो लेकिन तरक्की तो करो तरक्की तो करो मोदी नगर कर दो तरक्की तो होनी चाहिए ना